इंदौर में राला मंडल से निकला तेंदुआ लिंबोदी स्थित रहवासी क्षेत्र में घुस गया, जहां तेंदुए ने हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। इसमें एक ही परिवार के 3 लोग सहित एक वनकर्मी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ लिंबोदी में रहने वाले खेमराज राठौर के घर के पीछे के रास्ते से घुसा। उस समय खेमराज की पत्नी खाना बना रही थी, जबकि घर में पति के अलावा 2 छोटे बच्चे भी थे। तेंदुए ने खेमराज की पत्नी पर हमला कर घायल कर दिया। पत्नी की आवाज सुनकर पति खेमराज बाहर निकला तो तेंदुए को भगाया। बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम में शामिल वनकर्मी प्रकाश को भी तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। गौरतलब है कि झाबुआ फार्म हाउस में बुधवार को दोपहर 1 बजे तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना छोटे बच्चे रोहित पांडे ने दी थी। उसके बाद वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गेहूं की फसल को आड़ लेकर तेंदुए ने बुधवार को वनकर्मी को 6 घंटे तक छकाया, मगर टीम को तेंदुआ पकड़ने में सफलता मिली थी। बाद में अधिकारियों ने शाम होने की वजह से सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था। वनकर्मियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रात में पिंजरे में बकरी बांध कर रखी। कुछ देर बाद तेंदुए की दहाड़ ने फिर वनकर्मियों को उसकी मौजूदगी का एहसास करवा दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।